सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सभी मां भारती के वीर योद्धाओं को जय हिंद जय भारत। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी की ओर से वैकेंसी निकली है। जो सोल्जर इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर इसके लिए आवेदन करें। एग्जाम भी आपका बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि सर आर्मी अग्निवीर से हम अवरेज हो चुके हैं। बिल्कुल उनके लिए एक बेहतर मौका है। आप सभी इसके अंदर अपना भाग्य जरूर आजमाएं। एज है वो आपको 18 से 42 साल देखने के लिए मिलेगी। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। इसके फॉरम कब से स्टार्ट है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम इसका कब कंडक्ट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिए। जितने भी मां भारती के वीर योद्धा जो सेना में जाकर फुल टाइम देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें भी हम अपलोड करवा देंगे। कितना इसमें वेतन मिलेगा, सारी कंप्लीट जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की हुई है। चलिए जो मोटा मोटी आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, वो हम यहां पर नोट किया है, लिख कर लाए हैं। आयु सीमा गुरुदेव कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष आपकी होनी चाहिए। क्लियर है। आवेदन कब से स्टार्ट है तो देखिए फॉर्म है ऑनलाइन 23 अक्टूबर से ही इसके स्टार्ट हो गए हैं, 21 नवंबर लास्ट डेट है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सोल्जर इसके लिए एलिजिबल है उसको 101% इसमें आवेदन करना है। एग्जाम की बात करें तो ध्यान रखना 3rd-4th वीक ऑफ दिसंबर, तीसरे चौथे सप्ताह के अंदर दिसंबर माह में एग्जाम है वो इसका कंडक्ट होने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो ध्यान रखना फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो 500 रुपए है वो आपका शुल्क यहां पर रहने वाला है। क्लियर है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी यहां पर दी हुई है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो ध्यान रखना 2 घंटे का आपके पास समय होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है ये 1/3 रहेगी। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका और 100 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्लियर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना ग्रेजुएट है वो होना चाहिए, सोल्जर ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीए या बीएससी आप होना चाहिए। क्लियर है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो रैंक है, जो पोस्ट है वो लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर की यहां पर पोस्ट है। वेतन भी यहां पर अच्छा खासा है। पोस्ट की बात करें तो देखिए मेल की जो पोस्ट है वो है 18 वर्ष, फीमेल की है 1। मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप कहोगे सर वैकेंसी बहुत कम है, तो ध्यान रखना बहुत अच्छी पोस्ट के लिए ये भर्ती है। आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, तो जो अफसरों के लिए जो भर्तियां निकलती है उसमें पोस्ट कम ही होती है। कहते हैं ना कि दूध पर मलाई हमेशा कम ही होती है, तो ये मलाई है बिल्कुल। तो जो सोल्जर ग्रेजुएट है वो इसके अंदर अप्लाई जरूर करें। नॉर्मल इसमें इंटरव्यू भी रखा जाता है, होता है, लेकिन कम पोस्ट के चक्कर में इसमें ज्यादा आवेदन नहीं होते हैं। तो आप सभी, आपके परिवार में आपका बड़ा भाई या जो अवरेज हो गया है, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप इसके अंदर जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। मॉडरेट लेवल का इसका पेपर आता है और ये आपका डेली का काम है। जीके आप पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश, जो सोल्जर अभी आर्मी एमईएस की जो तैयारी कर रहे थे
उनको इंग्लिश भी आती है, आर्मी क्लर्क वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, जिसके ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी आप सभी देखिए, एग्जाम सेंटर की हम बात करें तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, भारत के ऑल स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर है वो अवेलेबल है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड आप सभी यहां पर देख सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि जो सोल्जर इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि गांव वाले बच्चों को पता ही नहीं चलता, उन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है, तैयारी भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे सोल्जर अभी जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट रहती है। तो आप इसके अंदर आवेदन जरूर करें, क्योंकि आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वही चीजें इसके अंदर पूछी जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ भी है कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक है, मैथ के कौन से है, इंग्लिश के कौन से है, जीके के कौन से है। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको ये फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से आप वो चीजें भी चेक कर सकते हैं। बाकी अच्छी तैयारी कीजिए, इसके अंदर जो बच्चा एलिजिबल है 101% आपको आवेदन करना है और इसका पेपर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।